services. This concludes the agreement exchange ceremony. I now request the spokesperson of the External Affairs Ministry to conduct the proceedings. Good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you all to this event. To begin the proceedings, may I request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to deliver his statement to the media. Your Excellency, President Edgar Lungu, जाम्बिया से आए अभी हमारे सभी सम्माननीय अतिथि, फ्रेंड्स नमस्कार। राष्ट्रपति लुंगु और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे अफ्रीका के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो नई सरकार बनने के बाद भारत यात्रा कर रहे हैं। यह प्रेसिडेंट लुंगु की भारत की पहली यात्रा भी और उसका स्वागत करने का हमें अवसर मिला है। भारत और जाम्बिया के संबंध जाम्बिया की आजादी से भी पुराने हैं। जाम्बिया भारत का महत्वपूर्ण मित्र और विश्वसनीय पार्टनर है। समान लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारा विश्वास है और विकास की साझा आकांक्षाओं को हम दोनों देशों को आपस में जोड़ती है। हमारी व्यापक साझेदारी ट्रेड और कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और मजबूत सांस्कृतिक और जन संबंधों तक फैली है। फ्रेंड्स, आज प्रेसिडेंट लुंगु और मैंने अपने संबंधों के सभी पहलुओं पर उपयोगी चर्चा की है। हम इस बात पर सहमत हैं कि ट्रेड बास्केट में विविधता और निवेश संबंधों को और आगे बढ़ाने से दोनों देशों को लाभ होगा। डेवलपमेंट कोऑपरेशन के अंतर्गत एक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत अपने विकास के अनुभवों को आसान तरीके से साझा करता रहा है। हमें खुशी है कि इससे जाम्बिया के विकास में सहायता पहुंची है। यह संतोष का विषय है कि भारत के सहयोग से स्वास्थ्य, पावर जनरेशन तथा लुसाका में ट्रैफिक को आसान बनाने के प्रोजेक्ट्स में अच्छी प्रगति हो रही है। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार जाम्बिया में एक इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित करने में सहयोग करेगी। इसके अतिरिक्त भारत कृषि को बढ़ावा देने के लिए 100 सोलर इरिगेशन पंप उपलब्ध कराएगा। हम जाम्बिया को 1000 टन चावल और 100 टन मिल्क पाउडर भेजेंगे। जाम्बिया खनिज संपदा से भरा हुआ देश है। अन्य खनिजों के अलावा भारत जाम्बिया से बड़ी मात्रा में तांबा लेता है। मिनरल रिसोर्स पर MOU माइनिंग के क्षेत्र में हमारे सहयोग को और बढ़ाएगा। खनिज संसाधनों की खोज और उन्हें निकालने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। डिफेंस कोऑपरेशन पर आज एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह रक्षा के क्षेत्र में एक्सचेंजेस को बढ़ाएगा और डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करेगा। जाम्बियन आर्म फोर्सेस की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता के लिए इंडियन मिलिट्री व एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम जाम्बिया में तैनात की जाएगी। भारत जाम्बिया एयरफोर्स बेस पर 5 फायर टेंडर्स की भी तैनात करेगा। मुझे खुशी है कि जाम्बिया ने हमारे टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती को ज्वाइन किया है।
दोनों देशों के चुनाव आयोगों के बीच एमओयू से लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। लोकतंत्र के नाते यह हमारा कमिटमेंट है। हमारे सहयोग से अफ्रीका के सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनावी प्रबंधन और प्रशासन को बल मिलेगा। हम चाहते हैं कि हेल्थ केयर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग और एनर्जी में मौजूद अवसरों का उपयोग करने के लिए दोनों देशों में उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहित किया जाए। इंडिया जाम्बिया बिजनेस फोरम की आज दोपहर में होने वाली बैठक इन क्षेत्रों में एंगेजमेंट बढ़ाने में सहायता करेगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जाम्बिया का स्वागत है। आर्थिक प्रगति और पर्यावरण के लिए सोलार एनर्जी का बहुत महत्व है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जाम्बिया में भारतीय मूल का बड़ा समुदाय हमारे बीच एक मजबूत कड़ी है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग इन संबंधों में नए आयाम जोड़ते हैं। जाम्बिया के डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग में शामिल होकर हमें प्रसन्नता हो रही है। एक्सेलेंसी, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नई दिल्ली में आपकी उपस्थिति ने हमारा गौरव बढ़ाया है। मैं फिर एक बार आपके डेलीगेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। इट इज नाउ माय प्लेजर टू इनवाइट हिज एक्सलेंसी मिस्टर एडगर चागवा लुंगू, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया, टू डिलीवर हिज स्टेटमेंट टू द मीडिया। Your Excellency Prime Minister Modi, members of the press, ladies and gentlemen, first and foremost, let me profoundly thank the government and people of India for the warm welcome and generous hospitality accorded to me, my delegation, and all others, the entourage, since our arrival in this beautiful historical city of New Delhi. I have just had a fruitful discussion with the Honorable Prime Minister Modi this afternoon, a discussion which have enhanced cooperation between the two countries even further. And I look forward to the discussions with the Honorable President Kovindi later today, which will build on our discussions during his last visit to Zambia in April last year. From the outset, I wish to state that Zambia and India share excellent relations with support from India, focusing in the areas of energy, health, infrastructure development, education, capacity building, agriculture, trade and investment, just to mention but a few. Projects being undertaken in Zambia today with the support of the Indian government include the Lusaka Traffic Decongestion Project, construction of 650 health posts across the country, construction of the Mahatma Gandhi Convention Center, establishment of the Entrepreneurship Cooperative Development Center, and the upgrading of the Mahatma Gandhi Primary School to secondary school level, among other projects. The people of Zambia are truly grateful for the generous support received over the years. My visit here has already started bearing fruits in that we have witnessed the signing of some important agreements in the field of defense, tele-education, telemedicine, arts and culture, elections, e-training and e-medicine, and mines, as well as between our two diplomatic training institutes. Your Excellencies, ladies and gentlemen, we look forward to the revival of the Zambia-India Joint Permanent Commission on Cooperation, which will take stock of the implementation of agreed areas of bilateral cooperation and will further explore new areas of cooperation. Private investment in Zambia by Indian companies currently stands at $5 billion,
which has contributed positively to Zambia's development agenda in terms of job creation and economic diversification. We would like to see more Indian companies coming to partner with Zambian companies as a result of this visit. Your Excellency, I'm happy to announce that apart from the government officials, I have been accompanied on this visit by a business delegation from Zambia who would like to partner with the Indian business community in various areas of interest. I am confident, and extremely confident at that, that the Zambia-India Business Forum, which is taking place today, will foster trade and investment linkages of mutual benefit to our two friendly countries. Evidently, India is an important and strategic partner in Zambia's quest for enhanced socio-economic development as articulated in our country's 7th National Development Plan. The said visit, therefore, will build on the achievements and enhance cooperation between the two countries even further. I therefore wish to reaffirm the Zambian government's commitment to enhancing the excellent relations and cooperation with India at both bilateral and multilateral levels for the mutual benefit of the people of our two countries. I thank you, Your Excellency. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Excellency. This concludes the press event. Thank you all for joining.